बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। आप जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू के साइन क्यों कहते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स को ऐड कर दें, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स मिलकर कहलाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आइए देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए इज इक्वल टू 10। अगर आप इनमें से कोई भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। आप कहेंगे ए प्लस इक्वल 5। तो ऐसा करने से बेसिकली आप कंपाइलर से ये कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव वे में अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है किसके, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। यानी ए वेरिएबल में जो वैल्यू मौजूद है उसमें 5 का इजाफा करो और जो रिजल्ट बने उसे असाइन कर दो ए वेरिएबल को दोबारा से। इट मीन्स कि ए में पहले से मौजूद था 10 और उसमें 5 का आपने इजाफा किया, तो ये असाइनमेंट जो आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस का, ये यूज करके एक्चुअली आपने ए वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर दी है अब वो डिफरेंट होके 15 है जो कि पहले 10 थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप माइनस इक्वल करते हैं, ए माइनस इक्वल लेट से 6, तो अगर इस स्टेटमेंट के बाद आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ए की वैल्यू बढ़कर 16 पहले 15 हो चुकी थी, अब यहां पे आप कह रहे हैं ए माइनस इक्वल 6, तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव वे में आप ये कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 6। अब ए में पहले से मौजूद था 15, आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि 15 माइनस 6, तो 15 में से 6 चले जाए तो 9 बच जाते हैं, तो a इज इक्वल टू 9, यानी a में जो वैल्यू अब स्टोर हो जाएगी वो 9 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आप मल्टीप्लाइड इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉड्यूलस इक्वल को यूज कर सकते हैं, तो और इस तरह करने से आप एक्चुअली किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करके रीअसाइन कर रहे होंगे उसी सेम वेरिएबल को।